Yo, what is up, people? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnet. Welcome back to the video. और आज हम लोग जो गाना सुनने वाले I'm not sure about this video कि ये कैसा जाएगी, कैसा perform करेगी, especially इस situation में. But I love it, man. तो गाने का टाइटल है घंटा रिकॉर्ड्स और अमन कलाकार ने बनाया ये और इट्स अ डिस ट्रैक टुवर्ड्स बंटाई रिकॉर्ड्स. सो सी क्या हुआ है, व्हाट्स द रीज़न व्हाई ही मेड दैट ट्रैक. आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरे को रीज़न नहीं पता है. शायद से मेरे को किसी ने बताया था कि हेलक और अमन कलाकार की कोई कहीं सुनी हुई है, तो उसके बाद से ये डिस्ट्रैक्ट निकल के सामने आया. सो आई एम जस्ट हेयर टू लिसन दिस ट्रैक विद यू गाइस. और मेरे को अब पर्सनल इनका नहीं पता है क्या सीन है, तो इसलिए आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन द पर्सनल थिंग कि कौन सही था कौन गलत था, बट आई एम जस्ट गोना लिसन टू द म्यूजिक. ऑल द अमन कलाकार फैंस, प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल द मैग्नेट्स, लेट्स टर्न ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैच सम बार्स. Let's go. तो क्या बोलती पब्लिक, चच्चा आ गया. चलो अब इन लोग की खुजली मिटाते हैं. जब बीफ होती है तब चच्चा वापस आता है. गालिब के कंधे पे बंटाई रिकॉर्ड, गालिब बिना ये लेबल है फ्लॉप. बंटाई ओ यंग गालिब. ओके 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 गालिब. ओ सो ही ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके ओके सो ही ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट लाइन कि गालिब भी एक डिसेंट आर्टिस्ट है बंटाई रिकॉर्ड्स में. और ये रिव्यूज सिर्फ इसके ही नहीं है, मतलब अमन कलाकार के नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के थे. जब यंग गालिब के गाने रिलीज हुए बंटाई रिकॉर्ड से तो वो बहुत अच्छे गाने थे. एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन कि यार ये कैसा फील होता होगा उसको कि जिस लेवल से वो साइन हुआ लोग उसको बोलते कि उसी लेवल का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है, बट ये लोग बोलते हैं राइट. तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसमें. कलाकार गालिब के कंधे पे बंटाई रिकॉर्ड, गालिब बिना ये लेबल है फ्लॉप. बंटाई के गाने तो सुनता मैं रोज, पर बंटाई रिकॉर्ड से आ रहा नहीं मौज. मिंटाई ओके सो देयर यू गो. ओके तो उसने वो डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज गुड, कि मैं बंटाई के गाने रोज सुनता हूँ लेकिन जो बंटाई रिकॉर्ड्स है वहाँ से कुछ खास नहीं आता है. तो आई एम ग्लैड कि तुमने ये चीज़ क्लियर कर दी कि यू डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट बंटाई, यू जस्ट हैव हिम अगेंस्ट लाइक जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड का चैनल है. बंटाई के गाने तो सुनता मैं रोज, पर बंटाई रिकॉर्ड से आ रहा नहीं मौज. मिंटाई या हेलक या बोलो ठोराट, इन लोगों ने बंटाई की लगा दी वाट. पैसा कमाया ना इज्जत कमाया, पर बंटाई के नाम का फायदा उठाया. बंटाई ने हेलक को किया था साइन, तब बंटाई के हाथों से हुआ था क्राइम. हेलक को लगता वो बहुत ही हार्ड, पर गाने सुने तेरे सारे बकवास. तू बंटाई को डिस करके बंटाई का चाटा, तू हिप हॉप नहीं बेटा, तू कर रहा चुतियापा. चाचा से भिड़ेगा पड़ेगा लापा, झारखंड या मुंबई या गली का नाका मैं खुले में खड़ा. चौड़े पे आ जा बे हेलक ने हलक, तू लौड़े पे आ जा. दिस इज अ स्ट्रेट डिस टू हेलक भाई, इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ना एमवे का लेना देना है ना बंटाई रिकॉर्ड्स का. इट्स जस्ट वो ब्रिज बना के उसने बंटाई से खींच के सीधा हेलक पे छोड़ दिया लाइट, और अब इट्स जस्ट हेलक पे जा रही है सारा. छोड़े पे आ जा हेलक ने हेलक, तू लौड़े पे आ जा. इस बीच छोड़ सीधा मुद्दे पे आता बे, डिस करने का रीजन बताता. बंटाई के गानों में नाचे हम टल्ली, फिर हेलक की कैको बे चाचा से जल्ली. देयर यू गो ही अगेन सेड इट कि हम बंटाई के गानों में टल्ली होके नाचते, तो इसकी क्यों जल रही है राइट. यार ये है भाई, अब क्या बोले यार, अगर तुम्हें एक आर्टिस्ट पसंद है, यू कांट हेट अनदर आर्टिस्ट. इट्स लाइक कि अगर तुम्हें बंटाई पसंद है तो तुम बंटाई रिकॉर्ड के किसी आर्टिस्ट को नापसंद, हेट नहीं बोलेंगे, नापसंद नहीं कर सकते. और अगर तुम्हें इट्स लाइक कि अगर तुम्हें बंटाई पसंद है तो तुम मी मशीन और टोनी जेम्स को कैसे नापसंद कर सकते हो, ये रूल बनाओ. बंटाई के गानों में नाचे हम टल्ली, फिर हेलक की कैको बे चाचा से जल्दी. मवाली पन्ना तुम मेरे को मत दिखा, बच्चा बच्चा मारे गाड़े में अस्तुरा. अबे अनोक चाचा पापा करे या मामा दादा, तेरी गांड क्यों जल रही है. क्यों तेरे गाने में व्यूज नहीं आ रहे, इसलिए कलमकार से गांड मरा के मन नहीं भरा जो कलाकार के पास आ गया. ओ माय गॉड, ओहो लाइन बड़ी सिली सी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन द वे ही सेड कि कलमकार से कुछ नहीं बना तो कलाकार के पास आ गया. भाई ये दो वर्ड अमन, कलमकार एंड कलाकार, दैट वाज इंप्रेसिव. पास आ गया ये प्रेडिक्टेबल नहीं था.
ना होगी सिलाई ना होगा इलाज। शकीरा बोला मुझे निकी मिनाज बे बंटाई के रान जा कोठे पे नाच। मेहनत दबा के बे पैसा नहीं गिनता बे कलम में नशा फिर काहे की चिंता बे बंटाई रिकॉर्ड में बंटाई की जनता। लोगों को पता तुम लोगों का फंडा झारखंड में हिप हॉप को मैंने ही लाया बे डिस नहीं किया इज्जत कमाया बे हलक तू सबको ही करता है डिस। पर आता ना रिप्लाई ना मिलते है व्यूज तू गाना बना रहा या कर रहा कंफ्यूज डिस जोन सेमी का केला तू चूस। गानों में मीनिंग ना गानों में मतलब है सर्कस का जोकर दिखा दे तू करता बे बावली गान बंटाई की रान। चचा झुका के दिखा देगा चांद चचा से कैसे बेलेगा तू टक्कर जब चैन की गर्लफ्रेंड से खा रहा तू थप्पड़ कृष्णा ने तेरे तो नहीं मुंह तब चैन की पब्लिक ने मुंह पे तू का हिप हॉप से। यार वो क्लिप इतनी वायरल हुई थी ना यार, इतनी वायरल हुई थी, दैट वाज फनी भाई, दैट क्लिप वाज फनी। बट एट द सेम टाइम उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है। तो किसी को भी कोई हक नहीं है कोई थप्पड़ मारे, ना किसी लड़की को हैक लड़के पे थप्पड़ मारने का, ना लड़के को हैक किसी लड़की पे थप्पड़ मारने का। और अगर एक बंदे ने मार दिया तो दूसरा भी मार सकता है, फिर देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन बिटवीन देम। फिर से खा रहा तू थप्पड़ कृष्णा ने तेरे तो मुंह पे नहीं मुंह स्टैंड की पब्लिक ने मुंह पे तू का हिप हॉप से प्यार। कलम महबूबा थोरट का गाना बजाया जब जीने तो दोस्त लोग बोले भाग जाए चोट पीने दे। अरे यार यार जीने दे अच्छा था गाना यार, मैंने रिएक्शन किया उस पे, मेरे को अच्छा लगा जीने दे गाना। अब देखो यहाँ पे आते हैं डिफरेंसेस इन ओपिनियन, उसके लिए जीने दे गाना बेकार है, मेरे लिए जीने दे गाना मेरे को अच्छा लगा, आई डोंट नो। तो ही सेड कि जीने दे गाना मैंने दोस्तों के बीच में चलाया तो दोस्त बोले भाग भाग चुप पीने दे। गाना बजाया जब जीने दे दोस्त लोग बोले भाग भाग चुप पीने दे। फ्लो अच्छा है इस गाने में लेकिन मुंबई के स्लैंग में पनवारी टपरी स्ट्रीट का रैपर तू सड़क का चपड़ी कैको बे चाचा के गाने से पटरी बे कौवा बिरयानी में बचपन से खतरी। गाना नहीं गाता बे गाना में रोता तू सल्यूशन पीके तू नाला में सोता बे उम्र में सारे में रैपर से छोटा। नाउ हु इज डिसिंग थोराट, ये थोराट पे लाइंस है या हलक पे है? ट्वीट कर रैपर तू सड़क का चपड़ी कैको बे चाचा के गाने से पटरी बे कौवा बिरयानी में बचपन से खतरी। गाना नहीं गाता बे गाना में रोता तू सल्यूशन पीके तू नाला में सोता बे उम्र में सारे में रैपर से छोटा बे टुपाक बोलता खुद को खड़ा भी होता एमी वे भाई। देयर यू गो भाई, सब टूप आ गए यार, सब टूप आ गए भाई, ले लो सब टूप आ गए, पूरे देसी पॉप में जितने भी बंदे हैं सब टूप। मैं रैपर से छोटा बे टूपक बोलता खुद को खड़ा भी होता एमी वे भाई की करता मैं चिंता पर मिंटा और मीम को रैपर नहीं गिनता बे मिंटा। तू मराठी गाता है टॉप पर हिंदी में गाने तेरे साले फ्लॉप मीम मशीन तू हुक बना गानों में तेरे ना आता मजा टट्टी लगा है तो हगने को जा पर दे जाबू गाने न गा। तो बेसिकली उसने गालिब और बंटाई को छोड़ के बाकी सबको लपेट दिया। तो मीम मशीन प्रोड्यूसर ने क्या किया यार तुम्हारा, वो तो प्रोड्यूसर है यार, तो उसको बोल दिया यार मीम मशीन के गाने अच्छे हैं यार, वो रिंग रिंग गाना कितना प्यारा था। बट अगेन ही सेड इट की हुक बना और वर्स मत गा और डेजावू वॉज ऑल्सो थोड़ा सा था, वो इतना अच्छा नहीं था। बट या अपने अपने ओपिनियंस हैं भाई, जो गाने किसी को अच्छे लगते किसी को नहीं लगते, जस्ट लाइक वी सॉ कि मेरे को वो थोराट का अच्छा लगा था गाना जीने दे, जाने देना नहीं जीने दे, जीने से मेरे को अच्छा लगा था लेकिन इसको पसंद नहीं आया, तो अपना अपना फर्क है। मिट्टी तेरी खुजली बॉय और हाँ बंटाई के लिए दिल में कोई हेट नहीं है पब्लिक तो कमेंट में कोई एंड सेंड फैलाने का नहीं क्या या इस साइड मदरफकर। हेट तो तब भी मिल जाएगी, हेट तो मिलेगी, उसको नहीं तुम रोक सकते कि बंटाई के लिए अगर तुम बोल दो कि बंटाई के लिए हेट नहीं है और जनता आगे तुम्हें बख्श दे, नहीं भाई मैंने बोला है यार इट डजंट गो दैट वे। तुम अगर एक आर्टिस्ट तुम अगर रफ्तार को पसंद करते हो तो तुम्हें कृष्णा पसंद आना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें कृष्णा पसंद ना आए। ये होगा भाई, ये होगा, आई डोंट नो मैन, बट या दिस सॉन्ग इज गुड। फ्लो इस गाने में इसने अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, टाइट फ्लो था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में भी, और लाइक स्मूथ साउंड कर रहा था गाना सुनने में, एंड ही हैड गुड लाइंस, बीच बीच में काफ़ी अच्छी लाइंस थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक वैसा ट्रैक है जो एकदम
ब्रूटल एकदम डिस है, वैसा नहीं है. लेट्स जस्ट ऑनेस्टली से दैट कि ये गाना वैसा नहीं है मेरे ओपिनियन में. ये गाना वैसा नहीं है, बट हाँ ये गाना उतना अच्छा है कि सामने वाले को रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर कर सकता है. तो उतना ये गाना अच्छा है. एंड लेट्स सी, अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो फिर उसके बाद ये कहाँ तक एस्केलेट होती हैं चीज़ें, वी विल फाइंड आउट. बट फॉर नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन. और मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही. बाय बाय, पीस आउट.